بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. अज़ान ग्रामी माह रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी अलकायम टी वी कराची पाकिस्तान से तर्जुमा और तफसीर सूरह कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का मौजू सूरह मुबारक है बुरूज। 85वां सूरह कुरान करीम का सूरह नंबर 85, 22 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह कुरान है और एक रुकू में मुकम्मल किया गया और मक्का मुअज़्ज़मा में ये सूरह नाजिल हुआ। और इसमें वहदहू ला शरीक जल्ल जलालुहू ने बात की है जिहाद और जंग की, जिसमें कुफारे मक्का भी हलाक किए गए और खंदक वाले भी हलाक किए गए। और उसकी तरफ अल्लाह ने हज़रत इंसान को, जो उसके अहकाम के ताबे हैं, ताकतों की तरफ मायल किया है। ज़ैन ग्रामी, हम चलते हैं तर्जुमे की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वस्समा इज़ातिल बुरूज, बुरजों वाले आसमान की कसम। वो 12 बुरूज जो आसमान पर हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, उनकी जानिब अल्लाह ने इशारा किया है ज़ाहरी तर्जुमे में। असली तर्जुमा वो 12 बुरूज कौन से हैं वो तफसीर में वाज़ेह किया गया। उसके बाद कहा वल यौमिल मौदूद, वाव वावे कसमिया, और उस दिन की कसम के जिस दिन का वादा किया गया है, और गवाह की और जिसकी गवाही दी जाए। इनकी कसमें अल्लाह ने बड़ी अजीब अजीब कसमें खाई हैं कुरान करीम में, हमारे लिए अजीब, कि उसने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कसम के साथ बयान किया है। उसकी के कुफारे मक्का हलाक हुए जिस तरह खंदक वाले हलाक कर दिए गए। जंग हुई थी, जंग में खंदकें खो दी गई, उन खंदकों में आग रोशन की गई और मुसलमानों के लिए उन्होंने ये ईंधन जला रखा था। और वो जो है, जो मुसलमान पहुंचते थे तो वो उस आग से अजियत में आते थे, जलते थे। और जो सलूक ईमान वालों के साथ करते थे उसको सामने देख रहे थे। अलमानुल हफीज़, इस वक्त भी हम देख रहे हैं, लोग सवाल करते हैं कि करबला मौला में भला 6 महीने के बच्चे को कैसे शहीद कर दिया। तो इस वक्त के मीडिया ने हमें बता दिया कि इस वक्त पढ़ा लिखा आदमी या पढ़े लिखे माशरे में मौजूद आदमी इस वक्त दुनिया में इंसानों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, और मुसलमानों भी कोई ख़ास मसलक या मज़हब नहीं, इंसानों को किस किस तरीके से अजियत दे रहा है, किस किस तरीके से टुकड़े कर रहा है, जला रहा है। यानी एक मुल्क के इंसान को, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान, इंसान को क़ैद किया हुआ, लिबास उतारा हुआ और उस पर प्लास्टिक जला कर, वो जलता हुआ प्लास्टिक उसके जिस्म पर गिर रहा है और उसकी आंखों पर पट्टी और हाथ पुश्त पे बंधे हुए, और वो अजियत में चीख रहा है। यानी अजियत के अजीब अजीब तरीके। तो कुफार इससे बढ़ कर भी जुल्म करते रहे और परवरदिगार ने फिर उनके लिए वादा कर लिया, जो सलूक वो ईमान वालों के साथ करते थे। और उनको मोमिनीन की सिर्फ यही बात बुरी मालूम हुई कि वो लोग अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो ज़बरदस्त और सज़ावार हमद व सना है। यानी जब वहदहू ला शरीक की वहदानियत पर ईमान ले आए, उस अल्लाह पर ईमान ले आए, तो फिर अब यकीन कामिल कर लेना है कि बस तमाम हमद व सना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कुछ उस वहदहू ला शरीक का है। तो ज़ाहिर कुफार के, जो उन्होंने अपने अल्लाह बनाए हुए थे, अपने माबूद बनाए हुए थे, उन सब की मुखालिफत थी, तो कुफार को ये बात ज़ाहिर बुरी लगती थी। वो अल्लाह जिसकी सारे आसमानों और ज़मीन में बादशाहत है और वो हर चीज़ से वाकिफ़ है।
यानी मक्का मुअज़्ज़मा में परवरदिगार बार बार इंसानों को इंसानियत की तरफ रागिब, यानी यूँ कहूँ कि आदमियों को इंसानियत की तरफ ला रहे कि असल इंसान क्या है, उसको वादे ला शरीक मानने वाला, उसके अहकाम पर अमल करने वाला, उसको पढ़ने वाला, उसको उसके अहकाम को इस कुरान करीम के ज़रिए हासिल करने वाला, और बोलते कुरानों के ज़रिए यानी अल्लाह की तरफ से मुअय्यन करदा अनवार की तरफ से दी जाने वाली तशरीहात और तफसीरात को हासिल करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाला। जला जलालू फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों और औरतों को तकलीफ़ें दी फिर तौबा न की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब तो है ही, और उनके लिए उसके अलावा जलने का भी अजाब होगा। वो जो खंदकों में लोगों को गिरा कर जलाते रहे और अब भी जला रहे हैं, का उनके लिए जो अजाब है वो तो अजाब है, जलने का अजाब है, यानी ज़िंदा इंसान कैसे जलता है, उसकी क्या हालत होती है। परवरदिगार ने फरमाया कि रोज़ क़यामत जब नाम आमाल तकसीम हो जाएगा तो फिर अज़ियतें देने वालों को, मोमिनीन को अज़ियतें देने वालों को जलाया जाएगा। बहुत इसकी जो है वो गहराई है कि वो सिर्फ ये आग जो हम देख रहे हैं इससे जलाया जाएगा यानी दूसरी आगें, मसलन अल्फाज, बुरे अल्फाज, किसी आकिल ने कहा कि तलवार के ज़ख़म से लफ्ज़ों का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। घर में बीवी को बुरे अल्फाज से याद करना, और ख़ुसूसन जब एक बेपढ़ा लिखा अजह से शौहर बीवी को बुरा कहता है तो वो सबसे पहले उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को बुरा कहता है। इंसानियत नहीं है ये। बीवी का भी वही हक़ है जो इस शौहर का हक़ है इस मामले में कि उसके घर वालों को उसके सामने बुरा ना कहा जाए। यहाँ का एक बेपढ़ा लिखा एक कहा जाए कि इल्मियत से दूर फ़र्ज जो है वो जब बीवी से किसी बिना पर लड़ता है तो बीवी को उसके माँ बाप के ताने देता है, बुरा कहता है, या बीवी ताकतवर है तो वो शौहर को उसके माँ बाप और उसके इल्म और ताने देते हैं। कतन जायज़ नहीं है, एक इंसान की तजलील किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। अब वो ऐसे जलाता है, मसलन अल्फाज से जलाता है या जलाती है, कुछ ने खंदकें खोद के उसमें आग जलाई हुई थी उसमें मुसलमानों को फेंक कर जला दिया। परवरदिगार इस चीज़ से डरा रहे कि जिसने जैसा जुल्म दुनिया में किया क़यामत में हम उसको वैसा ही बदला देंगे। जला के मारा था हम भी जला के मारेंगे, टुकड़े किया था हम भी टुकड़े करेंगे, लटका के मारा था हम भी लटका के मारेंगे, गर्दन जुदा की थी हम भी गर्दन जुदा करेंगे। तो परवरदिगार उस तरफ ले जा रहा है कि दुनिया में किसी पर जुल्म ना करो। आकिल ने एक अच्छा जुमला दिया जाने ग्रामी, कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो खाली दुनिया में नहीं भरोगे, वह क़यामत में जो परवरदिगार अदल कायम करेगा। इसलिए हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार फजल करना हम पे, अदल ना करना हमसे, हमारी दुआ हम पुकारते हैं उसको कि अदल ना करना, वो करेगा तो अदल, आदिल अदल तो करेगा। तो हर एक अपने किए धरे का भुगतान भुगतेगा, जवाब देगा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, यही तो बड़ी कामयाबी है। वाह क्या बेहतरीन नेमतों का जिक्र किया कि हमने नहरें, शहद की नहर, दूध की नहर, ठंडे मीठे पानी की नहर। वो अफराद जो गांव देहात से, जो पहाड़ों के अतराफ़ से वो रखते हैं ताल्लुक़ रखते हैं, वो देखते हैं कि पहाड़ों से आने वाला जुलाल पानी, ताज़ा पानी कितना अच्छा है और प्रोसेस किया हुआ पानी कितना ख़तरनाक है। बस जहाँ अपने अजाब व अताब की बात की, बदले की बात की, वहाँ बदले में नेमतों की बात की। हम उनके लिए हमने बेहतरीन नहरें जारी रखी और यही कामयाबी है। एक आयत आज के बहस में इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। असल मुंतकिम तो वही है, जब वो इंतकाम पर आता है तो फिर दुनिया कहती है कि हमने क्या किया। जब वो पलट के देखें कि उन्होंने क्या किया तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या नहीं किया। तो कहाँ कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत शदीद है, अच्छाई भी दी है, अच्छाई से मुराद ये कि हिम्मतें भी बढ़ाई हैं। तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बेशक वही पहली दफ़ा पैदा करते और वही दोबारा क़यामत में ज़िंदा करेगा। उसके बाद का वही बड़ा बख्शने वाला, मोहब्बत करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं समझने कि हम बस हम बुराइयाँ कर लें, वो बख्शने वाला है, वो माफ़ कर देने वाला है। माफ़ करने वाला बख्शने वाला होने के साथ आदिल है। जब अदल करेगा तो फिर राई के दाने के बराबर भी अगर हमने हक़ गस्ब किया है, जुल्म किया है, गाली दी है, बुरा कहा है, चोरी की है, झूठ बोला है, गीबत की है, उस पर भी पकड़ होगी। परवरदिगार हमें इन तमाम उन आमाल से जो उससे पसंद नहीं है, उसने जिनके लिए मना किया है, उससे हमें महफूज रखे। और इस माह मुबारक रमज़ान में इंशाल्लाह हमें बाकायदा एक मुकम्मल
इलाही पसंद मासूमीन पसंद इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए और हम उसके अहकाम को समझ के और पढ़ के और आगे बढ़ने की तो कुव्वत और ताकत पैदा करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अब्बा।